इंटरनेट पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि दो दिन के बाद यानी कि 14 अप्रैल को आ रहा है एक तूफान जिसका नाम है KGF चैप्टर 2। देखो वैसे बच्चा जानता है कि 14 तारीख को बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, KGF 2 के हिंदी वर्जन ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से कमाई के मामले में SS राजामौली की RRR को पीछे छोड़ दिया है। 4 दिन के अंदर एडवांस बुकिंग से 11 करोड़ रुपए कमा लिए है। RRR की बात करें तो वो 4 दिन के अंदर एडवांस बुकिंग से 5 करोड़ रुपए कमा पाई थी। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं, KGF चैप्टर 2 रॉकिंग स्टार यश की 9th सुपरहिट फिल्म है। हाँ, KGF उनकी लाइफ चेंजिंग फिल्म है, लेकिन KGF से पहले उन्होंने बैक टू बैक 8 धमाके किए हैं। 2012 में आई थी ड्रामा, ये एक रोम कॉम एक्शन थ्रिलर थी, उस टाइम पर 12 करोड़ रुपए कमाए थे, 100 दिन तक थिएटर में लगी रही थी। फिर उसके अगले साल आई थी गुगली, ये भी सुपरहिट हुई थी। फिर उसी साल आई थी राजा हुली जो ब्लॉकबस्टर रही थी, 120 दिन तक थिएटर नहीं छोड़ा था इसने। फिर उसके बाद आई थी गजा केसरी जिसने साउथ इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद आई थी मिस्टर एंड मिसेस रामाचार्य जिसने 25 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। फिर 2015 में आई थी मास्टरपीस जिसने 35 करोड़ की लाइन को क्रॉस किया था। फिर उसके बाद आई थी संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसने 30 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर उसके बाद आई थी KGF चैप्टर 1। इस फिल्म ने सिर्फ साउथ में नहीं देश और दुनिया में क्या क्या इतिहास बनाए हैं बताने की जरूरत नहीं है। और अब आ रही है KGF चैप्टर 2। देखो यार, साफ बता रहा हूँ, 14 अप्रैल को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताना। और एक बात, शाहिद कपूर की जर्सी जो KGF चैप्टर 2 के साथ टकराने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रिलीज डेट चेंज करके 22 अप्रैल कर दी है। देखो यार, जर्सी रीमेक है या जो भी है, लेकिन शाहिद कपूर ने बहुत मेहनत की है इसके लिए और बहुत टाइम भी दिया है इस फिल्म को, तो थोड़ा सा खटक रहा था उनकी मेहनत को लेके कि यार KGF चैप्टर 2 के साथ आएगी तो बवाल हो जाएगा, मतलब बहुत नुकसान होगा उनको। अब सब सही है, 1 हफ्ता मिल जाएगा उनको। लेकिन एक बात है, 1 हफ्ते के बाद भी KGF चैप्टर 2 तो यही कहेगा कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फैक्ट तो फैक्ट है, ये कहाँ जाकर रुकेगी ये तो कोई बता ही नहीं सकता है। तब तक जितने भी लोग बीच में आएंगे, ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।